बोल पेम सोम श्री सदगुरु महर्ष में ही परमहंस महाराज जी की जय। गुरुदेव का प्रवचन संत वाणी। संत कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत हुलास, मन मनसा माजे नाही हो चाहत है दास। भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, निज निज मन आलस किया जन्म मनम जन्म पचिताए। भक्ति प्रांत में होत है मन दे कीजे भाव, परमार्थ प्रतीत है प्रतीत में या तन जाओ तो जाओ भवार्थ। कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु की भक्ति करने का मन में बहुत होलास रहता है, परंतु मन की इच्छाओं को मांझ कर शुद्ध नहीं करते और भक्त होना चाहते हैं, अर्थात मन मनसा को मांझे बिना कोई भक्त नहीं हो सकता। मुक्ति में जाने के लिए भक्ति सीढ़ी है। संतगण दौड़ते हुए अर्थात शीघ्रता पूर्वक उस पर चढ़ गए। जिन लोगों ने उस पर चढ़ने में आलस किया हुए जन्म जन्म पछताते हैं। प्राण जीवनी शक्ति चेतन धार को लगा कर भक्ति की जाती है। मन को समर्पित करके भक्ति में प्रेम कीजिए। परमार्थ तत्व में विश्वास करने में शरीर जाए तो जान जाने दीजिए। जो मन कबहू हरि को जाचे, आन प्रसंग उपासना छारे, मन बच क्रम अपने उर साचे, निस दिन सन श्याम सुमीर यस गावे, कल्पन मेठी प्रेम रस पाचे, या व्रत धरे लोक में विराजे, सम करि गने महामणि काचे, शीत उसन सुख दुख नाही माने, हानि भय कुछ सोच न राजे, जाई समझाए सूत सूर वा निधि में, बहुरी ना उल्टी जगत में नाचे। भवात हे मन, यदि तुम कभी हरि की याचना करो तो दूसरे प्रसंग और उपासनाओं को छोड़ दो तथा मन वचन कर्म से अपने हृदय में सच्चे बने रहो। दिन रात श्री श्याम का सुमिरन करो, उनका यश गान करो और कल्पों से पच्चे विषय रस में लीनता को उस श्री श्याम के प्रेम में लगा कर मिटा डालो। इस व्रत को धारण करके संसार में विराजो और महामणि तथा कांच को एक तुल्य समझो। सर्दी गर्मी सुख दुख को सहन करो और हानि होने पर दुखी मत बनो। जाकर इस परमात्म रूप समुद्र में समा जाओ कि फिर लौट कर तुमको इस संसार में नहीं नाचना पड़े। नानक साहब जी कहते हैं, जन्मे का फूल किया गनी जा हरि भक्ति ना भाव, पेधा खाया खादा वादी है जा मनी दूजा भाव। यानी ऐसे जन्म लेने से क्या लाभ जब हरि भक्ति का भाव ना हो, उसका जीवन व्यर्थ है। जिसका मन सदा खाने पीने में ही लगा रहता है और ईश्वर भक्ति को छोड़कर संसारी भोग विलास में ही लिपत रहता है, वे कभी शांति नहीं रहते हैं, उसका मन अशांत रहता है। अर्थात इन सभी को छोड़कर एक नाम और रूप का ध्यान लगाकर उस पर अटल विश्वास और पूर्ण भरोसा के साथ अपने मन पर काबू करो और एक नाम और एक रूप का ध्यान करो जिससे आपका कल्याण हो। बोल पेम सोम श्री सदगुरु महर्षि मयि परमहंस महाराज जी की जय।